आज हम लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 2 एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे. लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या कोशिश की, एडजेक्टिव्स को समझने की, उसकी मीनिंग को, उसके मतलब को समझने की, उसके टाइप्स को समझने की कोशिश की. और खासकर जो एडजेक्टिव्स हमने देखे वो इंसान से रिलेटेड थे. किससे रिलेटेड थे? इंसान से, और ज्यादा से ज्यादा इंसान से रिलेटेड थे, और कुछ चीजों से भी रिलेटेड थे. एडजेक्टिव्स की मीनिंग क्या है कि एडजेक्टिव्स उसको कहते हैं जो नाम के बारे में ज्यादा डिटेल में बताता है, नाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं. इंग्लिश में एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स अ नाउन और क्लैरिफाइज अ नाउन, ये मीनिंग है इंग्लिश में एडजेक्टिव्स की. अब हमारे सामने जो चार्ट आपको नजर आ रहा है इसमें दो सेक्शन है. एक सेक्शन में हम देख रहे हैं कि कुछ टॉक की प्रैक्टिस हो रही है, और सेकंड सेक्शन में एडजेक्टिव्स लिखे हुए दो कॉलम्स में. ये जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम प्रैक्टिस देख रहे हैं मिस्टर अलराज और मिस्टर अजहर को, ये हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था, और हमने इस पर प्रैक्टिस भी की थी कि किस तरह से किसी का नाम बताया जाता है, अपना नाम बताया जाता है, किसी तीसरे इंसान का, किसी तीसरी लड़की का या लड़के का नाम पूछा जाता है, किसी तीसरे मेल या फीमेल का नाम पूछते हैं या अपना नाम बताते हैं, और किस तरह से हम बात करते, क्वेश्चन करते या नाम में बात करते. ये सारी प्रैक्टिस हमने कब की थी? लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 में. अब दोनों चार्ट को कंबाइन किया जा रहा है, एडजेक्टिव्स को और ये चार्ट को भी कंबाइन करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना नाम भी बताएंगे, और विल टेल आवर नेम आल्सो एंड विल टेल आवर एडजेक्टिव्स आल्सो. तो हैव टू टेल योर नेम, हैव टू टेल आवर नेम एंड एडजेक्टिव्स, उसकी आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. तो थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस कराने से पहले मैं खुद बताता हूँ कि किस तरह से बोला जाएगा. आप गौर से सुनो. फर्स्ट पहले ये चार्ट को हम लोग देख रहे थे, चार्ट है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं चार्ट को. इसमें मिस्टर राज है और मिस्टर अजहर है. यहाँ पे रानी है, सैफ है, रवि है, लीना है. यहाँ पे जो राज है इनके बारे में डिटेल्स बता रहे, और वहां पे अजहर है किसके बारे में डिटेल्स बता रहे, अजहर बता रहे नास के बारे में, जय के बारे में, जूली और निक्सन के बारे में वो डिटेल बता रहे. आपको नाम भी बताएंगे हम लोग और उनके एडजेक्टिव्स भी बताएंगे. तो पहले मैं आपको बोल के बताता हूँ, आई विल से फर्स्ट, फिर आप उसके साथ में मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे. जैसे मिस्टर राज है, उनका कॉन्वर्सेशन पहले क्या था? उनका कॉन्वर्सेशन ये था कि आई एम मिस्टर राज, यू आर मिस्टर अजहर, यू आर मिस्टर अजहर, शी इज रानी, ही इज सैफ, दे आर रवि एंड लीना. ये कॉन्वर्सेशन था. अजहर का कॉन्वर्सेशन ये था कि आई एम अजहर, शी इज नास, ही इज जय, दे आर जूली एंड निक्सन. ये अजहर का कॉन्वर्सेशन था. फिर हम लोगों ने इसको निगेटिव में भी देखा था, क्यों ये कहा था कि राज कहते हैं कि दे शी इज नॉट नास, शी इज नॉट नास, राज कहते हैं शी इज नॉट नास, जबकि ये कौन है? ये रानी है, तो शी इज नॉट नास. ये सैफ है, तो उसके बारे में बताया था ही इज नॉट जय, ही इज नॉट जय. फिर हम लोगों ने क्वेश्चन भी की थी उसके साथ में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी. कैसे? कि इज शी रानी, इज शी रानी, तो आंसर था यस शी इज रानी, और शी इज नॉट नास. ओके, इज शी नास, तो हमने आंसर दिया था शी इज नॉट नास, शी इज रानी. इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी. अब इसी को लेके हम एडजेक्टिव के साथ में प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट देखेंगे आई एम राज. राज थोड़ा अपने बारे में और डिटेल बताए. आई एम राज, आई एम टॉल, आई एम फेयर, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ब्रेव. कुछ वर्ड्स हम लोग इसे पिक कर रहे हैं और राज के एडजेक्टिव्स के हिसाब से यूज कर. अभी जैसे रानी है, तो शी इज रानी, शी इज रानी, शी इज फेयर, शी इज फेयर, शी इज पोलाइट, शी इज पोलाइट, शी इज क्लेवर. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रानी के बारे में, कि वो क्लेवर है. अब सैफ है, ही इज सैफ, ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम. ओके, और आप इसे समझे यहाँ पे कौन है? रवि और लीना, दो के बारे में बात करें तो दे आर रवि एंड लीना, वो लोग रवि और लीना है. एंड दे आर पोलाइट, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर फेयर, दे आर टॉल. तो इस तरह से प्रैक्टिस होती है. अब इसी चीज को अगर हम लोग को कभी ऐसा होता है कि हम लोग को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी बोले तो सेम है. हम बोलेंगे जैसे कि आई एम राज, आई एम नॉट मैड, नेगेटिव में बोले आई एम नॉट वीक,
I'm not thin. Yeah, she's Rani. She's not ugly. She's not ugly. She's not rude. She's not rude. तो ये रानी के बारे में बता रहे हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमको बनाना है कि वो रानी है, वो ऊंची है, वो रानी है, वो खूबसूरत है, वो रानी है, समझे, वो स्मार्ट है। तो इस तरह से अपने को प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि दोनों ग्रुप में देखिए, दोनों प्रैक्टिस में आप एक बात देखिए कि बी वर्ब के सेंटेंसेस है और आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, इट लगा हुआ है उनके साथ में, और बाद में सिर्फ हम लोग वर्ड रख रहे हैं। अगर नाम है तो क्या रख रहे हैं हम लोग, आई एम राज रख रहे हैं, वरना नाम को हटा के उसकी जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एडजेक्टिव रख रहे हैं। जैसे कि आई एम राज, तो राज को अपने हटा दिया और किसको रखा, आई एम टॉल, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज बी वर्ब वैसे के वैसे है, सब्जेक्ट और बी वर्ब सेम है, सब्जेक्ट भी और बी वर्ब क्या है, सेम है अपनी जगह, वो चेंज नहीं हो रहा है। करेक्ट, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, या तो नाम चेंज हो रहा है या एडजेक्टिव चेंज हो रहा है। तो वेरी सिंपल है, एक फॉर्मूला हमको याद है तो दूसरा फॉर्मूला इजीली हम लोग क्या बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर, दे आर, ये अपने अगर ध्यान में रखा तो आपके बहुत सारे सेंटेंसेस एडजेक्टिव के इजीली बन जाएंगे। जैसे आई एम इरफान, आई एम नॉट राज, आई एम इरफान, आई एम नॉट राज, आगे जाके हम लोग क्या किया, आई एम के साथ में नॉट लगा। तो अगर हमको बोलना है कि आई एम नॉट शॉर्ट, तो मैं क्या हूं, टॉल हूं, तो आई एम टॉल। ओके, आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड, तो मैं क्या हूं, आई एम क्लेवर। तो किस तरह से नॉट भी लगा सकते हैं, हम इसकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। या फिर अगर आपको क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन करना, क्या तुम ऊंचे हो, क्या तुम राज हो, या क्या तुम अजर हो, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, आर यू अजर। फिर वो क्वेश्चन करेंगे आर यू क्लेवर, क्या तुम क्लेवर हो, क्या तुम क्लेवर हो, तो आर यू क्लेवर। क्या तुम स्ट्रांग हो, तो आर यू स्ट्रांग। क्या वो रानी है, क्या वो रानी है, इज शी रानी। क्या वो क्लेवर है, क्या वो, इज शी क्लेवर, इज शी क्लेवर। तो याद करो वो प्रैक्टिस को, लेसन नंबर 5 को, पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हम लोग ने वी वर्ब नेम्स की प्रैक्टिस की थी। समझ में? Now can you practice with me? Let's go for practice. Little practice we can do. Okay? समझ में? Little practice we can do. Now first we'll see that कि कैसे हम लोग practice करेंगे. चलो, Mr. Sharad, आपको practice करनी है ना? मैं आपको कुछ question करता हूँ. कहो कि मैं राज हूँ. मैं राज हूँ. English में बोलो. I am Raj. I am Raj. वो रानी है. She is Rani. She is Rani. वो safe है. He is safe. वे लोग रवि और लीना है. वे लोग रवि और लीना है. They are रवि and लीना. They are रवि and लीना. Now शारदा you practice. Okay? कैसे practice करेंगे? मैं शारदा हूँ. से मैं शारदा हूँ या बोलिए practice करके मैं अजर हूँ. कैसे बोलेंगे? I am अजर. Very good. वो नाज है. She is Naz. वो जय है. He is Jay. Very good. अभी हम लोग उनके एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करते हैं. चलो शरद से बात शुरू कर देते हैं. अभी मतलब मैं राज हूँ, मैं ऊंचा हूँ, टॉल हूँ. बोलो. आई एम टॉल. मैं राज हूँ. इंग्लिश में बोलो. आई एम राज. मैं ऊंचा हूँ. I am tall. Very good. I am tall. English में बोलो. I am tall. मैं राज हूँ, मैं फेर हूँ. I am fair. तो मैं राज हूँ, मैं फेर हूँ. वापस बोलो. मैं राज हूँ. English में बोलो. I am राज. और आगे मैं फेर हूँ. I am fair. Very good. Now शारदा यू प्रैक्टिस. ओके, मैं वो नाज है. She is Naz. Very good. She is Naz. Okay. वो बारीक है, कमजोर है. Weak. She is weak. She is weak. Very good. Okay. वो नरम है, polite है.
He? No. She? She? Is polite. She is polite. Okay. अभी हम थोड़ा negative देखते हैं. आपको ऐसा बोलने का है कि वो safe है, वो ऊंचा नहीं है. वो safe है, वो ऊंचा नहीं है. तो कैसे बोलेंगे? वो safe है, वो ऊंचा नहीं है. तो कैसे बोलेंगे? वो safe है. He is safe. He is not short. He is safe. He is not short. बोलो शरद. वो safe है. वो safe. English में बोलो. He is. He is safe. वो short नहीं है. He is not. He is not short. Short. अभी वापस try करो. वो safe है. He is safe. वो English में बोलो. He is. He is safe. हाँ. वो छोटा नहीं है. He is. He is. Not short. Short. He's not short. So you practice better. Practice करके lesson को तैयार करना. अभी जैसा कि वो in case things वो Nixon है. वो Nixon है. वो Nixon है. हम लोग उसके लिए यहाँ से एक word लेते हैं कि वो smart है. तो he is Nixon. He is smart. क्या word लिया हम लोग ने? He is Nixon. He is smart. क्या वो निक्सन है? अभी क्वेश्चन, क्या वो निक्सन है? Is he? Say with me. Is he? Is he? Nixon? Nixon. Is he smart? Is he smart? Are you Sharda? Are you Sharda? Now you say. क्या तुम शारदा हो? Are you Sharda? क्या तुम शरद हो? Say English में. क्या तुम शरद हो? I am Sharad. क्या तुम इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट करो. आर यू शरद. तुम इनको पूछो क्या तुम शारदा हो. आर यू शारदा. अभी तुम उनको पूछो क्या तुम टॉल हो. बराबर बोलो. आर यू टॉल. तो वी हैव टू प्रैक्टिस. सिंपल फॉर्मूला क्या है? आपको क्या करने का है? पहले सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है. इसके लिए हम लोग तुमको एक चार्ट बैक करके हम लोग कोशिश करते देखने की शायद उससे आपको याद आ जाए. ये चार्ट को आप देखो. अभी मैंने एक चार्ट आपके सामने प्ले किया. इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है. इसमें क्या लिखा है? आई एम यू आर आई एम वी आर. जैसे यहां पर लिखा आई एम, फिर प्लूरल क्या है उसका? वी आर. फिर यू आर, उसका प्लूरल यू आर है. शी इज, ही इज. ओके, इट इज लिखे हुए ना, उसके आगे नॉट लिखा हुआ है. उसके आगे क्या? नॉट लिखा. तो इसको क्वेश्चन करने के लिए कैसे लिखा हुआ? पहले आएगा आई एम इरफान सर, या आई एम राज, आई एम नॉट अजर. कैसे आई एम लिया मैंने और क्या बनाया? आई एम इरफान सर, आई एम नॉट. फिर नॉट लगा के कैसे यूज कर रहे? आई एम नॉट अजर, आई एम नॉट अजर. या मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आर यू शरद. हो सकता है फिर मैं ही आंसर करूंगा. यस आई एम. आंसर आएगा आई एम शरद, आई एम नॉट रवि, आई एम नॉट रवि. तो थोड़ा ये चार्ट को एक बार देख लिए, रिमाइंड कर लिए चार्ट को कि किस तरह से बी वर्ब का चार्ट है जिसमें हम लोग आई एम, वी आर, ठीक है, यू आर. समझ में आया? ही इज. आपको समझ में आया? शी इज. इस वर्ड को कैसे एडजेक्टिव के बाद. अब ये चार्ट को देख के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. आई एम टॉल, आई एम नॉट शॉर्ट. I am tall, I am not short. I am fair, I am not dark. I am clever, I am not mad. I am not mad. I am handsome, I am not ugly. इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं. या फिर are you tall? Yes, I am tall. तो ये थोड़ा सा चार्ट आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. इस चार्ट को देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसके आगे वर्ड्स लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को प्रॉपरली यूज करना सीखो. और बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमको बनाने हैं. पीछे जाते हैं फिर से हम लोग, ठीक है. फिर हम अपने चार्ट के पास फिर से आ गए, हमारे चार्ट के पास हम. ओके, अब देख लो वापस ये चार्ट को और इसको प्रैक्टिस करो. इस प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा. 15-20 मिनट के बाद इसको प्रैक्टिस करना और फिर हम लोग आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है. तो आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग फिर से इसकी प्रैक्टिस देखेंगे कि आपने कैसे प्रैक्टिस की है, ठीक है.